हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पर। यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बार यानी बिहार के तरफ से वैकेंसीज गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से निकल कर आ रही है। ये ऑफिशियल साइट है, ऐसे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप लोग एडवर्टाइजमेंट और अप्लाई भी कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग का gpbar.in लिखोगे तो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आप लोग का साइट पर, यहाँ पर आप लोग का लेटेस्ट न्यूज़ या अपडेट पर आना, तो यहाँ पर आप लोग का यहाँ पर मेंशन किया होगा, सबसे नीचे में आप लोग का एडवर्टाइजमेंट ऑफ गेस्ट फैसिलिटीज़ लिखा होगा, इसको एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लीजिएगा। और ऊपर में जो आपको सेकेंड नंबर पर यहाँ पर आप लोग का एप्लीकेशन फॉर गेस्ट फैसिलिटी, ये एप्लीकेशन फॉरम है, इसकी पूरी जानकारी हम लोग लेने वाले हैं। इसमें अगर आप लोग डिप्लोमा बीए बीटेक किए हो या ग्रेजुएट, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसमें एग्जाम भी होने वाला है, तो पूरी जानकारी हम लेने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग का डाउनलोड हम लोग कर लेते हैं। ये डाउनलोड जैसे ही करेंगे तो ये आप लोग का डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद हम इस पीडीएफ को देख लेंगे इसमें क्या बताया जा रहा है। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑल इंडिया जॉब भी वैकेंसीज आती है, आपको इस चैनल के माध्यम से सही और सटीक जानकारी मिलती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो राजकीय पॉलिटेक्निक बार अस्थाई रहेगा। ये आप लोग का पॉलिटेक्निक का जो हर साल निकलता है, वो अदर जितने भी पॉलिटेक्निक बिहार में है और कॉलेजेस हैं डिग्री का, वो भी निकालने वाले हैं। धीमा धीमा सबका निकलेगा, तो आप लोग इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेगा। और भी वैकेंसीज आया जो आपको यहाँ पर वीडियो में मिल जाएगा, जाके खोल लेना, ठीक है। यहाँ पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग बिहार सरकार के विभागीय संकलन संख्या 3016 पटना दिनांक 2/12/2021 का अवलोकन में बिहार सरकार के नियम गणित राजकीय पॉलिटेक्निक बाढ़ में आवश्यकता अनुसार कार्य लेने के लिए पद जो होता है वो ऑनलाइन किया जा रहा है यहाँ पर। और वेबसाइट आप लोग का यहाँ बताया गया है, जो कि आप लोग का यहाँ पर नियंत्रण आमंत्रण किया गया है। शैक्षिक योग्यता के बारे में बताया गया। यहाँ पर आप लोग का पहले हम बता देते हैं, यहाँ पर लेक्चर के लिए इंस्ट्रक्टर लैब असिस्टेंट के लिए यहाँ पर निकाली गई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आप लोग का ये असैनिक अभियंता यानी सिविल इंजीनियर के लिए यहाँ पर प्रयोग सहायक के अतिथि के लिए, देखिए अतिथि व्याख्याता के लिए यहाँ पर है, अतिथि प्रयोगशाला सहायक के लिए, यानी कि यहाँ पर लेब असिस्टेंट के लिए यहाँ पर बताया गया है। और ये जो है ये लेक्चर के लिए है और ये इंस्ट्रक्टर के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग का देख सकते हैं, इसमें आप लोग का बीए बीटेक ही मांगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग का असैनिक अभियंत्रा के लिए आप लोग जा सकते हो, और मैकेनिकल के लिए, फिजिक्स के लिए, गणित के लिए और अंग्रेजी के लिए। तो ये आप लोग का पोस्ट आप लोग का बीए बीटेक वाले स्टूडेंट के लिए है, इसमें कोई भी एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग का जो प्रयोगशाला, ये जैसे आप लोग का लेब असिस्टेंट के लिए असैनिक अभियंत्रा यांत्रिक और भौतिक के लिए यहाँ पर बताया गया। और यहाँ पर आप लोग का अतिथि अनुदेशक के लिए डिप्लोमा अगर चाहिए, डिप्लोमा ही चाहिए, ठीक है। इसमें यांत्रिक अभियंत्रा के लिए खाली निकाला गया है। यहाँ पर शैक्षिक योग्यता के बारे में मेंशन किया गया, जिसमें ए में आप लोग का बताया गया कि अतिथि व्याख्याता जो यहाँ पर है लेक्चर के लिए शैक्षिक योग्यता या ICT के अनुरूप होगा। यहाँ पर ये नहीं बताया कि बीए बीटेक या डिप्लोमा होगा, दोनों के जा सकते हैं। बी में अतिथि प्रयोगशाला सहायक के अतिथि अनुदेशक की शैक्षिक योग्यता विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग बिहार सरकार निर्धारित है। वचित योग्यता ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से कक्ष आयोजित करने की क्षमता है। यहाँ पर एग्ज़ाम भी होने वाला है आप लोग का, और आप लोग का जो पेमेंट होगा वो आप लोग का एज अ गवर्नमेंट पैरोल के हिसाब से दिया जाएगा, यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, ठीक है। यहाँ पर पहली बात है कि यहाँ पर रिटर्न एग्ज़ाम या चयन प्रक्रिया होने वाला, ये बहुत ही अच्छी बात है जो कि सही है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को बता दें, यहाँ पर अभ्यर्थी जो ऑनलाइन अप्लाई MCQ टाइप्स एग्जामिनेशन होगा, शामिल होना होगा अतिथि व्याख्याता हेतु MCQ टेस्ट दिनांक 12/9/2022 को, यानी इसी महीना के 12 तारीख को संपन्न किया जाएगा। एग्ज़ाम का लिंक, तिथि एवं समय की जानकारी वेबसाइट पर आप लोगों का समय समय पर दिया जाएगा। गूगल फॉरम लिंक पर अभ्यर्थी अपना सभी मूल प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र अपलोड करें एवं दिनांक में सभी अभ्यर्थी अपने मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित अनिवार्य होंगे। चुने गए अभ्यर्थी को ऑफलाइन के माध्यम से डेमोस्ट्रेशन क्लास, ठीक है, डेमो जो होता है वो क्लास द्वारा जांच की जाएगी, जो एक डेमो क्लास किया जाता है वो बस, है ना। गए अभ्यर्थियों को आकार आदेश 17/22/23 के लिए निर्गत किया जाएगा, यानी एक साल के लिए, उसके बाद हो सकता बढ़ाया जाए या तो आप लोगों का निकाल दिया जाए, लेकिन फिर भी एक साल के लिए आप लोग का रहेगा, तो एक्सपीरियंस तो होगा आपको। इस विज्ञापन में ये सब बताया गया, तो ये हम लोग उतना जानकारी नहीं लेने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग को आना है, ऐसे हम आप लोग को चलिए अप्लाई कैसे होगा वो बता देते हैं।
तो यहाँ पर आप लोग का ये तो आप लोग को मिल जाएगा, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी तो ला के ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले से आप लोग मेरे व्हाट्सएप यूट्यूब को चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। यहाँ पर एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आप लोग का फॉर्म खुल जाएगा, आप लोग का फार्म गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बाढ़ खुल जाएगा। वहाँ पर हम लोग नीचे चलेंगे, नीचे चलोगे तो यहाँ पर आप लोग का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम साथ में ही डाल देना है। फादर्स नेम आप लोग का मांगा है, परमानेंट एड्रेस, ठीक है। मोबाइल नंबर यहाँ पर मांगा गया, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर दे दीजिएगा। ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ आप लोग का, जेंडर आप लोग का चॉइस करना हो इसमें चॉइस कर लीजिएगा। इसमें फिजिकल हैंडीकैप आप अगर हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। कैटेगरी आप लोग का जनरल में आते हैं, EBC 1 आते हैं या BC 2 में आते हो, EWS, SC, ST या अदर आते हो, ये आप लोग चुन लेना। उसके बाद आप लोग स्ट्रीम ऑफ एप्लीकेशन किसके लिए आप लोग कर रहे हो, मैकेनिकल, सिविल, इंग्लिश या मैथमेटिक्स या फिजिक्स के लिए, तो वो आप लोग अपना चॉइस कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट करोगे तो RB फॉर्म खुलेगा, उसके बाद अपलोड करने के लिए आएगा, तो वो आप लोग अपने से कर लेना, ठीक है। आई होप आप लोग का ये वीडियो अच्छा लगा। ऑल इंडिया जो भी वैकेंसीज आती है आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहती है। अब मोस्टली बिहार की जो भी छोटी मोटी वैकेंसीज आती है वो आपको इस चैनल के माध्यम से भी मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।